हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन यूपीपीसीएल परीक्षा नीट में आज का मुख्य टॉपिक थ्री फेस इंडक्शन मोटर है। थ्री फेस इंडक्शन मोटर की हमारी दो क्लासें हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास हो रही है। पहली क्लास में स्टेटर, दूसरी क्लास में रोटर और आज फिर मोटर बताया जा रहा है। दोस्तों मोटर को समझें, इससे पहले यानी कि मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, इन सब का कार्य सिद्धांत एक ही है और इसकी देन कौन है, ये है अर्स्टर्ड महोदय। इनका जन्म जो हुआ ये 1877 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1851 में हुई। इसके मध्य 1820 में इन्होंने एक खोज की। उस खोज में क्या किया, ये प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग करते करते इन्होंने देखा कि यदि हम विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबक बनता है। तो इन्होंने कहा यदि धारा के प्रवाहित करने से चुंबक बनता है तो चुंबक के प्रवाहित करने से धारा बननी चाहिए। बस इसी बात पे अड़िग हो गए और वो खोज करना शुरू कर दिए। अंत में इन्हीं के कथनों को हमारे और वैज्ञानिक लोगों ने साथ में जुड़ गए और इन्हीं कथनों पर चलना शुरू किए और इन्हीं कथनों की खोज से हमें मोटर मिला, हमें जनरेटर मिला, हमें ट्रांसफार्मर मिला, अल्टरनेटर मिला। तो कथन क्या था कि यदि किसी परिपथ में विद्युत धारा दी जा रही है और वहां पर चुंबक बन रहा है तो जो बनने वाला चुंबक है अगर इसे किसी जगह भेज दिया जाए तो जहां पर चुंबक पहुंचेगा वहां पर एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा और इसी सिद्धांत पे हमारे सभी इलेक्ट्रिकल मशीनें कार्य करती हैं। तो सबसे पहले खोज इन्हीं की थी, बाद में इनके साथ इनके आगे पीछे इनके अनुसरण में जो वैज्ञानिक लगे उन्होंने एक एक खोज किया और उनका अपना अपना खोज के नाम पर नाम पड़ा। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम सबसे पहले समझे इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर क्या होता है, चाहे सिंगल फेज का हो चाहे थ्री फेज का हो, एक ऐसा मोटर जिसके रोटर में कोई बाह्य सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे मोटर को हम इंडक्शन मोटर कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा मोटर जिसमें हमें सिर्फ स्टेटर में सप्लाई दी जाती है, रोटर में कोई सप्लाई नहीं दी जाती है। और स्टेटर में सप्लाई देने से इसके मध्य जो चुंबकीय घूर्णी क्षेत्र बनता है उसी चुंबकीय घूर्णी क्षेत्र के कारण रोटर में एक EMF पैदा होता है और वही EMF क्या करता है, रोटर में एक मोशन देता है और इस प्रकार से हमारी मोटर घूर्णन गति में आ जाती है। फिर बात आती है इंडक्शन मोटर का सिद्धांत। इंडक्शन मोटर का सिद्धांत क्या है, इसको मैं पिछले दो क्लासों में बता चुका हूं और मैं फिर से बता दे रहा हूं। इंडक्शन मोटर का सिद्धांत क्या होता है कि यदि एक कल्पना करिएगा कि ये क्या है, आपका स्टेटर है। यदि थ्री फेस चाहे सिंगल फेस स्टेटर में यानी कि वाइंडिंग हुई, स्टेटर वाइंडिंग में जब हम सप्लाई देते हैं, इसमें सप्लाई देंगे तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। इसके चारों तरफ एक घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा और ये घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र क्योंकि अर्स्टर्ड महोदय ने बता दिया था रोटर जो होता है इसमें रखा रहता है और जब यहाँ पे घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो उस घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या करता है, बार बार इस रोटर पे अपना क्षेत्र जमाया जाता है, अधिकार जमाया जाता है, जिससे रोटर भी एक चालक ही होता है। तो जब चालक होता है तो क्या होता है, बार बार जब चुंबक आएगा और चालक होगा तो ग्रहण तो करेगा ही, तो एक ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करते ही इसमें क्या होता है, एक EMF पैदा हो जाता है, एक EMF पैदा हो जाता है और वह EMF करंट को पैदा कर देता है और करंट कभी रुकना चाहता नहीं है। तो ये क्या करता है, इसमें मोशन होने लगती है या तो आगे या तो पीछे, फिर इसी मोशन के कारण ये क्या करता है, ऐसे गति में आ जाता है, ऐसे वो रन में आ जाता है और हमारी मोटर चलना शुरू जाती है। अच्छा, इसमें एक शब्द जोड़ा गया था कि एक ऐसा मोटर जिसमें जिसके रोटर में कोई बाह्य सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती। तो हाँ दोस्तों देखिए, इसके स्टेटर में हम सप्लाई देते हैं लेकिन इसके रोटर में कोई सप्लाई नहीं दी जाती। तो ऐसे जितने भी आप कल्पना करिए कि ऐसे जितने भी मोटर आपको दिखाई देते हैं जिसके रोटर में हमें कोई सप्लाई नहीं देनी पड़ती, सिर्फ हमें स्टेटर में सप्लाई देनी पड़ती है, वे सभी मोटर इंडक्शन मोटर की श्रेणी में आते हैं। उनका चाहे हाथ पावर कुछ भी हो, चाहे उनका सिंगल फेज हो चाहे वो थ्री फेज हो, सबको इंडक्शन मोटर के श्रेणी में रखा जाता है। फिर दूसरी बात आती है दोस्तों, इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत हो गया। अब इंडक्शन मोटर के कार्य सिद्धांत के बाद क्या आता है, इंडक्शन मोटर के मुख्य भाग। तो इंडक्शन मोटर के मुख्य भाग क्या है, एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। कहने को तो और भाग होते हैं लेकिन मुख्य जब बात आती है तो यही होता है। फिर स्टेटर क्या होता है, मोटर
मोटर का स्थिर रहने वाला भाग स्टेटर होता है, मोटर का घूमने वाला भाग रोटर होता है। इसकी दो क्लासे मैं पीछे बना चुका हूं, तो जो भाई नए हैं क्लास वन क्लास टू नहीं देखे हैं तो पीछे जाके देख लें, क्योंकि मोटर और स्टेटर एक कॉमन टॉपिक है और इस टॉपिक को अलग अलग इसीलिए बनाया गया क्योंकि ये पूरी मशीन में आता है। दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।